नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आज आपके सामने एक मल्टीप्लिकेशन का वीडियो लेके आया हूँ। किसी ने रिक्वेस्ट की थी सब्सक्राइबर ने हमारे कि मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन बता दीजिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रहें कि जो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी होगी अबेकस पर कोई भी संक्रिया को करते हुए। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लिकेंट, दोनों को जो डिजिट्स हैं उनमें उनका आपको योग करना है, उनको ऐड करना है आपस में। और अगर मान लीजिए 4 डिजिट मल्टीप्लिकेंट है और 3 डिजिट मल्टीप्लायर है तो 7 हो जाएगा। उसमें 1+ करके राइट साइड से 8th कॉलम से आपको उस मल्टीप्लिकेंट को लिखना शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें उन्होंने 180 को 18 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था और कह रहे हैं कि वो उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वीडियो ये अपलोड कर रहा हूं मैं। तो चलिए हम अबेकस पे चलते हैं। क्वेश्चन है 180 मल्टीप्लाई बाय 18। तो दोनों के अगर डिजिट्स हम काउंट करते हैं तो डिजिट्स हो जाते हैं 5। 5 में 1+ कर देंगे और राइट साइड से 6th कॉलम से 180 लिखना शुरू करेंगे। 1/5 में 8 और 4th में 0, 6th में 1, 5th में 8 और 4th में 0, और एक्सट्रीम लेफ्ट में हम 18 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अब जो मल्टीप्लायर है उसकी जो बड़ी यूनिट है मतलब टेंस से 180 के वंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 के राइट साइड मतलब राइट साइड से 3rd लाइन में 0 लिख दिया। फिर 8 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो उसके राइट साइड में 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो जब हमने ये 0 को मल्टीप्लाई कर लिया तो अब हमारे पास 18 और 18 रह गया, और 0 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक लाइन जो जिसमें हमने 0 लिखा था वो खाली होगी। अब हम जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसको इस लाइन से लिखना शुरू करेंगे। चलिए 1 8 जार 8, तो राइट साइड से जो 4th कॉलम है उसमें हमें 8 लिखना है। लेकिन ध्यान रहे मल्टीप्लिकेशन में 1 से लेकर जो 9 तक के डिजिट्स होते हैं, हम 0 1 0 2 0 3 0 ऐसे ही 0 9 तक लेके चलते हैं, तो 8 लिखना तो उसको हम लिखेंगे 0 8। राइट साइड से 4th जो कॉलम है थाउजेंड्स का जो है उसमें 0 लिखेंगे और हंड्रेड्स में 8 लिख देंगे। देन 8 8 जार 64, अब जहां हमने लिखना छोड़ा है, जहां हमने 8 लिखा है वहां पे 6 आ जाएगा और उसके राइट में 4 आ जाएगा, तो राइट में 4 सेट कर दिया मैंने। अब ये हंड्रेड्स डिजिट जो हमारे पास जहां पे 8 है उसमें हमें क्या करना है, 6 सेट करना है। तो 6 का बीट्स हमारे पास नहीं है, गो टू द लेफ्ट साइड सेट 1 एंड क्लियर 4। तो जो 100th कॉलम है उसमें से 4 क्लियर करना है, बीड नहीं है, क्लियर 5 सेट 1, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 8 को भी क्या है मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों मल्टीप्लायर से डिजिट से, तो उसको क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। अब हमारे पास रहता है 1 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। 1 1 जार 1, तो 1 को 0 1 हम लिखेंगे तो 1 के राइट साइड में जो हमारा 10,000 का कॉलम है उसमें लिख देंगे 0 और थाउजेंड्स में आ जाएगा 1। उसके बाद 8 1 जार 8, तो 1 जहाँ हमने सेट किया वहाँ आ जाएगा 0 और उसके राइट वाले कॉलम में जिसमें हमने जिसमें 4 है हमारे पास वहाँ पे हम लिख देंगे 8। तो 8 लिखने के लिए 8 का रूल होता है गो टू द लेफ्ट साइड सेट 1 और क्लियर 2। लेफ्ट साइड में गए, 1 सेट कर दिया और जहाँ पे हमें 8 सेट करना था वहाँ से 2 क्लियर कर देंगे। तो और जो नंबर हमने लिखा था 1, उनको मल्टीप्लाई हमने कर लिया, उसको क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। लेफ्ट साइड से भी दो जो मल्टीप्लायर हमने लिखा था उसको क्लियर कर दिया। तो अब आपके अबेकस पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है 3 2 4 0 3 2 4 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी तरह से थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी कोई सवाल आप कर रहे हैं तो स्टेप्स जो हैं उसके उनको आप याद रख सकें, नहीं तो अगर एक भी स्टेप आप गलत कर लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बाकी देखते रहें YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग और शेयर करते रहें
सब्सक्राइब करवाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नमस्कार, धन्यवाद।